राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में सामाजिक सहभागिता व पाठशाला प्रबंधन समिति की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। खंड परियोजना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने शिक्षा के मौजूदा तंत्र में सामाजिक सहभागिता की भूमिका पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की बात कही। कार्यक्रम में हमीरपुर खंड की 54 पाठशालाओं के स्कूल प्रबंधन समिति व सामुदायिक के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षा में सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता, शिक्षा के प्रति सामाजिक दायित्व की भावना व सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता पर पाठशाला प्रबंधन समिति और सामुदायिक सदस्यों को जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संजय ठाकुर व उच्च शिक्षा उपनिदेशक दिलबर जीत चंद्र, जिला परियोजना अधिकारी धर्मपाल चौधरी, कोऑर्डिनेटर सुनील, बीआरसीसी दिनेश व राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल की वजह से लंबे समय के बाद इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्व रहता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर हमेशा ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं और विधानसभा में भी इस पर चर्चा की गई और इन मुद्दों को उठाया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारी प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी तो निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों की दौड़ कम लगेगी। इस सब विषय पर हमीरपुर में ये चर्चा की गई। 2 साल जो यहाँ पर कोविड का जोर रहा, ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसे इकट्ठे बैठने का समय मिला। और आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन का हर एक व्यक्ति की लाइफ में कितना अहम रोल रहता है, ये आप सबको पता है। आज हमीरपुर ब्लॉक के कुछ अभिभावकों को और स्टाफ के सभी सदस्यों ये एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें मेन जो फोकस रहेगा वो जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपस में बैठ के जो भी यहाँ पर संवाद होगा, इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और मैं भी पर्सनली विधानसभा में हमने कई बार ये हमने मुद्दा उठाया है कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है या मिडिल स्टैंडर्ड तक जो एजुकेशन है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स, जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन हमारी है, यहाँ से हमें हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। और जब बच्चों को या बच्चों के अभिभावकों को जब ये विश्वास हो जाएगा कि गवर्नमेंट स्कूल में भी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अच्छे ढंग से दी जा रही है, तो जो एक क्रेज़ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा भेजते हैं, वो भी स्टॉप वहाँ पे भी फुल स्टॉप लग जाएगा। और अगर हम सही ढंग से सार्थक परिणाम निकलेंगे, जो कि हम आगे जाकर सरकार के साथ भी जो यहाँ से रिजल्ट आएगा, सरकार से चर्चा करके कैसे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है, हमारा क्या प्रयास रहेगा, सरकार का क्या प्रयास रहेगा, यहाँ वाले समय में हम इसके साथ परिणाम। धन्यवाद सभी को। आपको पता है इसमें हो सकता है, ये अभी इस सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारी एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ है, जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं, जिस ढंग से जो हमारा बेस है उन बच्चों का, जिस ढंग से ये बेस बनना चाहिए नहीं बन पाए, इसमें सरकार की तरफ से भी हो सकता है, अभिभावकों की तरफ से भी हो सकता है, स्टाफ मेंबर्स की तरफ से भी हो सकता है, इसमें सभी के कोऑपरेशन से अगर सभी मिलकर इकट्ठे एक कोऑपरेटिव ढंग से काम करेंगे तो भी हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और सरकार की भी मंशा है और हमारी भी यह मंशा है कि हमारा जो बेस है, बेस हमारा बच्चों का ठीक होना चाहिए, तभी आगे जाके हम कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे बच्चे सफल होंगे।